टेलीस्कोप टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे दूर दराज के चांद वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप यूनानी जुबान के दो लफ्जों से मिलकर बनता है जिसमें टेली का मतलब होता है फार और जो वर्ड स्कोप है ये वर्ड स्कोपन से निकला है इसका मतलब होता है टू सी या टू लुक टू सी टू लुक इसका मतलब है यानी कि दूर दराज की चीजों को देखना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके काम करने का तरीका क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूँ जिससे आप इसके काम करने का तरीका और इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप के इस टेलीस्कोप को जो है हम दूर दराज के चांद वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग प्लैनेट्स वगैरह को देखना हो, गैलेक्सीज को देखना हो या कलेक्शन ऑफ स्टार्स वगैरह को देखना हो तो हम लोग टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप के दो टाइप है, एक तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है और दूसरी टेलीस्कोप को हम लोग जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। इनमें से जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि इसके अंदर दो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा जो है वो आईपीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और इसका अपर्चर बड़ा होता है कंपेयर हमारे आईपीस लेंस से। आईपीस लेंस की फोकल लेंथ और इसका अपर्चर दोनों ही छोटे होते हैं और ये वाली जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम लोग टेलीस्कोप ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब किस तरह की होती है कि ये ट्यूब एक ट्यूब के ऊपर मूवमेंट शो कर सकती है, ये ब्रॉस ट्यूब होती है और इसकी एडजस्टमेंट हम इसके इस तरीके से यहाँ से इस नॉब को घुमा कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस दोनों इस जगह पर फिक्स हुए होते हैं और ये दोनों अपनी जगह से मूव नहीं करते जबकि ट्यूब्स मूव करती हैं जिन्हें जब हम इस नॉब से मिलाते हैं। इसके काम करने का तरीका ये है कि पैरेलल लाइट की रेज आती है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराती है, इसमें से पास होती है और पास होने के बाद एक पॉइंट पर यहाँ पर आकर मर्ज हो जाती है। इस पॉइंट को हम इमेज का पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर आकर हमें इमेज मिल जाता है। इसके बाद इमेज से जो लाइट की रेज है वो दूसरे वाले कन्वेक्स लेंस से गुजरती है क्योंकि इसमें दोनों ही कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं और इस कन्वेक्स लेंस से जब ये गुजरती है तो इसके अंदर से पास कर जाती है और इनको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सटेंड करते हैं तो हमें फाइनल इमेज मिल जाता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि इन रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करने से हमें यहाँ पर फाइनल इमेज मिल जाता है। इसके अलावा हमारे जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वहां से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारे आईपीस लेंस की फोकल लेंथ होती है। और जो टेलीस्कोप से हम लोग टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर इसकी निकालते हैं वो मैग्निफिकेशन पावर हम इस तरह से निकालते हैं कि एफ फोर डिवाइडेड बाई एफ ई के तरीके से जो है हम मैग्निफिकेशन पावर निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो कि दूसरी टाइप है टेलीस्कोप की जिसे सर आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था इसे न्यूटनिक टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है पैराबोलिक कनकेव मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके काम करने का तरीका ये है और ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम लोग जो है वो प्लैनेट्स को देख सकें, मून को देख सकें, अर्थ को देख सकें, इसके अलावा कलेक्शन ऑफ स्टार को देखना हो या गैलेक्सीज वगैरह को देखना हो तब हम लोग जो है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देखते हैं, खासकर हम लोगों को जो मून को देखना हो। इसके काम करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर पैराबोलिक कनकेव मिरर लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा ये जो लाइट की रेज है ये दोनों ही इससे आके टकराती है, हमारे पैराबोलिक मिरर से आके टकराती है और मिरर से टकराने के बाद ये दोनों प्लेन मिरर के पास जाती है और प्लेन मिरर से टकराकर ये वाली लाइट की रे ऊपर और जब ये वाली लाइट की रे आती है तो ये भी इससे टकराती है और ऊपर चली जाती है और हमारी आईज को जो है वो इमेज नजर आ जाता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग एक पैराबोलिक कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं और एक प्लेन मिरर इस्तेमाल करते हैं। लाइट की दो रेज आती हैं, इसके अलावा भी रेज आ सकती हैं लेकिन लेट्स सपोज की लाइट की ये दो रेज आती हैं, ये इस रेज से टकराती हैं। लेट्स सपोज ई रेज है, ये ई का नाम दे दीजिए, ये ई रे यहाँ पर आती है टकराती है और उसके बाद प्लेन मिरर के पास चली जाती है। प्लेन मिरर के पास पहुँच कर वहां से रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आईज तक पहुँच जाती है। दूसरी रे जो रे बी है वो यहाँ पर पैराबोलिक मिरर से आके टकराती है और इसके बाद सीधा प्लेन मिरर के पास आती है और प्लेन मिरर से टकराता ये इसका जो टकराने के बाद ये हमारी आईज तक आईपीस लेंस के जरिए जो है वो पहुंच जाती है।
तो ये टेलीस्कोप के बारे में था कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो किस तरह से काम करती है। अब अगर हम इसमें बाकायदा काम करने के तरीके को देखें कि ये किस तरीके से काम करती है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है एनिमेशन में कि हमारे पास यहाँ दो लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, दो कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कन्वेक्स लेंस ये होता है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ा होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, कहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर हमारे पास आईपीस लेंस होता है, क्योंकि आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ और अपर्चर है वो दोनों एज कम्पेयर हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के छोटे होते हैं, यानी इसके फोकल लेंथ और इसका अपर्चर दोनों ही छोटे हैं, इसे हम लोग आईपीस कहते हैं। ये आईपीस लेंस है और ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब जैसे कि हमें मालूम है कि लाइट की पैरेलल रेज आती है यहाँ से गई और यहाँ से टकराकर यहाँ तक, इसी तरह कुछ रेज इसकी सेंटर से भी आती हैं और यहाँ तक आती हैं, कुछ रेज जो है वो नीचे से भी टकराएंगी, और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये तीनों रेज आपस में मिल जाती हैं हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा इमेज पॉइंट है, इसे इमेज का पॉइंट कह देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारी ये वाली रेज जो है हमारे आई पीस में से भी गुजरती है, कुछ रेज यहाँ से कुछ आई पीस के ये वाला, क्योंकि सेंटर जो है हमारे आई पीस का सेंटर है, इसलिए हमें यहाँ कह देना चाहिए कि ये सी ई है, और ये वाला जो सेंटर है ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का सेंटर है, इसलिए हमें कहना चाहिए कि ये सी ओ है। इन रेज को जब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो जहाँ पर ये आपस में मिलती हैं वहां पर हम लोगों को फाइनल इमेज मिल जाता है। अब हमारे इमेज और हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान जो फासला है इसे हम लोग कहते हैं कि ये वाला फासला जो है, इस वाले फासले को हम लोग एफ ओ कह लेते हैं, यानी फोकल लेंथ है ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ये वाली जो कम फोकल लेंथ है ये हमारे आई पीस की है, और इस फोकल लेंथ को हम लोग कह देते हैं कि ये एफ ई है, और ये वाली फोकल लेंथ जो है इसे हम लोग एफ ओ। अब हमें ये बताना है कि हमारी जो सिंपल माइक्रोस्कोप या हमारी टेलीस्कोप है वो किस तरीके से हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप और हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बेहतर है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसी सिचुएशन में बेटर हो सकता है दूसरे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, जब इसकी मैग्निफिकेशन पावर उस नया जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा हो। अगर तो टेलीस्कोप ज़्यादा अच्छी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इसका मतलब है कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है वो ज़्यादा है हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप से भी और हमारी जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी, हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा है और हमारे जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो ज्यादा है, इसकी मैग्निफिकेशन जो है उससे ज्यादा है, इसे मैंने इस तरह से लिख लिया। अच्छा, अगर भी इसकी हम लोगों को मैग्निफिकेशन पावर मालूम करनी हो तो वो हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब आप देखिए तो इस डायग्राम में आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, एक ट्राइंगल आपको ये वाली नजर आ रही है, दूसरी ट्राइंगल आपको ये वाली नजर आ रही है, ये वाली जिसका सेंटर जो यहाँ सेंटर पे आके मिलती है, इसका मतलब है यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गए। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को इस तरह से ड्रॉ करूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स कुछ इस तरीके की हैं कि ये वाला हमारा इमेज का पॉइंट था और ये वाला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर सी ई है, यानी कि यहाँ पर हमारे आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर जो इमेज बनता है वो जो हमारा एंगल बनता है वो चूंकि हमारे इमेज की वजह से बनता है इसलिए हमें इसे थीटा ई कहना चाहिए। यहाँ पर हमें इमेज मिला था, इसके अलावा यहाँ पर जो ट्राइंगल बनती है ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, यहाँ पर जो एंगल बनता है ये हमारे ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है, इसलिए थीटा ओ कह देना चाहिए, और ये वाला जो सेंटर था हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर था ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब देखा जाए तो ये दो ट्राइंगल है, अगर मैं ये करूँ कि मैं इसे आई ओ का नाम दे दूँ तो इस तरह फिगर में मुझे यहाँ पर भी आई ओ का नाम देना चाहिए, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम लोगों ने एफ ओ का है और इसे एफ सी, ये ट्राइंगल फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसे ट्राइंगल टू कह देते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल फर्स्ट की बात करूँ तो ट्राइंगल फर्स्ट में ये है कि ये हमारा हिस्सा इस तरह से है और इस तरह से हमारे पास जो है वो ट्राइंगल बन गई है, किस तरीके से यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा आई है, यानी कि इमेज की वजह से बना, इसे हम लोगों ने आई ओ का नाम दे दिया और ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारे आई पी सेंस का। इस हिस्से के बारे में हमें मालूम है कि ये एफ ई है, ये वाला जो हिस्सा है ये जाहिर सी बात है हमारी इमेज की लेंथ है कि हमारी इमेज की कितनी लंबाई आई है, ये इमेज की लेंथ आ गई, इसे एच आई कह देते हैं। अब अगर मैं टेन थीटा वाली रेशियो अप्लाई करूँ
और टेन थीटा ही क्यों, टेन थीटा इसलिए अप्लाई करना चाह रही हूँ कि इस वक्त मेरे पास दो दो, दो चीजें हैं, वो ये है कि मेरे पास एक परपेंडिकुलर है और दूसरी चीज बेस, और मुझे मालूम है कि जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो मेरी परपेंडिकुलर है वो आई ओ है और हमारी जो बेस है वो एफ ई है। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था कि जब हम ये फर्ज कर लें कि आई और ओ कुछ देर के लिए एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं, तो यहाँ पर जो थीटा बनता है उस टेन थीटा को, वो थीटा इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो टेन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है। किस सिचुएशन में, जब आई और ओ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाए, तो उस सिचुएशन में मैं टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ले सकती हूँ। अगर मैं इसे थीटा के इक्वल ले सकती हूँ, तो क्योंकि ये थीटा इमेज की वजह से बना है, तो मुझे यहाँ थीटा आई लिखना चाहिए, और ये थीटा आई जो है ये हमारे आई ओ डिवाइडेड बाय एफ ई के इक्वल है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन ए है। अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन को कंसिडर करूँ, दूसरी ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा जो है ये आ गया, जिसे हम लोगों ने एफ ओ का नाम दिया है, बल्कि ये इस तरह होनी चाहिए थी, हम कुछ मिस्टेक कर गए। इस ट्राइंगल का रुख थोड़ा सा इस तरह से है और हम लोगों ने इसे थोड़ा सा गलत बना लिया इस तरीके से कि ये हमारी बेस है और यहाँ पर है ना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा सी ओ है, यानी अब हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ ट्राइंगल बना है उसको हम लोगों ने सी ओ का नाम दिया है, और ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारा इमेज है आई ओ इमेज है, और ये वाली जो लेंथ है क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से भरी थी, इसलिए हम लोगों ने इसे एफ ओ कहा, और ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज हमारे इमेज की हाइट है। दोनों ट्राइंगल्स में एक बात सेम है कि कॉमन है कि इमेज जो है वो दरमियान में बनता है, यानी इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है, जो उनका बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर है, जो दरमियान वाली लाइन है जो उन्हें सेपरेट कर रही है, वो दोनों में सेम है। इसका मतलब हमारा इमेज तो ठीक हो गया, इसका मतलब हमारी ट्राइंगल काफी सॉल्व हो जाती है। अगर मैं इस ट्राइंगल से टेन थीटा की रेशो दूँ, तो टेन थीटा चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वजह से बना है, तो टेन थीटा ओ लिख लिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो हमारा फिर आई ओ है और हमारा जो बेस है वो एफ ओ है। इस सिचुएशन में सी था, इस सिचुएशन में एफ ओ है। अगर यहाँ पर भी मैं वही केस अप्लाई करूँ कि आई और ओ को कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि मेरी एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, तो उस सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो टेन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि थीटा ओ बिकम्स इक्वल टू आई ओ डिवाइडेड बाय एफ ओ, इसे इक्वेशन बी मार्क कर लें। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे उसकी मैग्निफिकेशन पावर चाहिए, तो आपको मालूम है कि जो मैग्निफिकेशन पावर होती है या तो वो हाइट की सूरत में होती है, यानी कि इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, या वो इस सूरत में भी होती है, या तो और लिख लेते हैं, या वो इस सिचुएशन में भी होती है कि हमारे इमेज की वजह से जो एंगल बना है डिवाइडेड बाय हमारे ऑब्जेक्ट की वजह से जो एंगल बना है, इनकी रेशियो के इक्वल होती है। इस कंडीशन में हमारा क्योंकि इमेज तो सेम ही रहा दोनों ट्राइंगल में, तो क्यों ना अब मैं इनके जो है एंगल उसकी रेशियो ले लूँ। अगर मैं एंगल की रेशियो लूंगी, तो मेरे पास जो सिचुएशन है वो इस तरह से आएगी कि थीटा आई की जो वैल्यू है वो आई ओ डिवाइडेड बाय एफ ई है, और इसके बाद जो हमारे पास थीटा ओ की है वो भी आई ओ डिवाइडेड बाय एफ ओ है। ये मैग्निफिकेशन पावर है। अब देखा जाए तो ये चीज इस चीज से कैंसिल हो जाती है और एफ ओ जो है वो उलट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई जो है वो डिवाइड हो रहा है हमारा आई ओ डिवाइडेड बाय एफ ओ। तो जब हम नेगेटिव जो डिवाइड की साइन को बदलते हैं, तो एफ ओ ऊपर आ जाता है और आई ओ नीचे, यहाँ पर भी आई ओ है और यहाँ पर एफ ई, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर है वो एफ ओ आ जाती है, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव फील्ड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो ये हमारी मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है, और ये जो मैग्निफिकेशन पावर है, अगर हमें इसी मैग्निफिकेशन पावर को इस्तेमाल करते हुए, मैग्निफिकेशन पावर जो हमें मालूम चल गया है कि टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो हमेशा इसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय इसके आईपीस लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल है। लेकिन अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि भाई मुझे ये बताइए कि टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है, अगर आपको लेंथ बतानी हो तो आप देखेंगे कि इसकी लेंथ यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, और कहाँ तक मेजर करेंगे हम लोग, आईपीस के सेंटर तक मेजर करेंगे। आईपीस के सेंटर तक मेजर करें तो आप देखेंगे कि एफ ई और एफ ओ का
सम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ये एफ सी और एफ ओ का सम हो जाएगा। और जब भी आपको लेंथ बतानी हो आपके माइक्रोस्कोप के उसके टेलीस्कोप की, तो आप हमेशा कहेंगे कि ये एफ ओ प्लस एफ सी के इक्वल आती है। इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोगों ने इस तरह से किया था कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कहीं पैराबोलिक कनकेव मिरर था, इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, क्योंकि मिरर की एक सर्फेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और एक सर्फेस नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये हमारा जो है ये मिरर हो गया। अब क्या हुआ कि हमारे पास लाइट की एक रे आती है, ये लाइट की रे इस तरह की आ गई, लेट्स से कि ये हमारी रे ए है। अब रे आगे से टकराती है और जब टकरा कर लाइट जाती है बैकवर्ड जाती है, तो इसे हमें कहते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग लाइट है। यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेन मिरर रखा होता है इस तरीके से, इस प्लेन मिरर से जब ये लाइट टकराती है तो ये इससे टकराने के बाद जो है आपकी आई तक पहुंच जाती है। सिमिलरली जो लाइट की दूसरी रे आती है वो भी इसी तरीके से आती है कि वो लाइट की रे, सपोज लाइट की रे डी है, ये लाइट की रे डी आई और यहाँ से टकराने के बाद ये ऊपर गई और यहाँ पे चूंकि फिर एक मिरर है, इसका मतलब है यहाँ पर भी इसे टकराना पड़ा, इसे रिफ्लेक्ट होना पड़ा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरह से अपना रास्ता इख्तियार कर लेती है और यहाँ पर आपकी आई को जो है इमेज नजर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक आई पीस लेंस लगा होता है और उसके थ्रू जो है वो आपको ये नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो आपकी रिफ्लेक्टिंग है, इसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी दो दफा रिफ्लेक्शन होती है, एक इसकी नीचे से रिफ्लेक्शन होती है, ये आपका प्लेन मिरर है, इसे कह देते हैं ये प्लेन मिरर है और ये आपका पैराबोलिक कनकेव मिरर है। इससे लाइट टकराती है ऊपर जाती है और फिर एक और प्लेन मिरर है, उससे टकराने के बाद लाइट की रे जो है इस तरफ मूव करती है आपकी आईज की साइड से और यहाँ पर लगे हुए आईपीस लेंस के थ्रू आप जो है ये रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। तो ये दो तरह के टेलीस्कोप हम लोगों ने पढ़ी है, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दोनों ही जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और टेलीस्कोप को हम लोग इसलिए भी ज्यादा बेहतर समझते हैं माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा है और जितनी किसी चीज की मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होती है इसका मतलब है वो चीजों को उतना ही इनलार्ज और मैग्नीफाई करके दिखा सकती है। इसीलिए हम लोग जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दूर दूर दराज के एग्जाम को एग्जाम में पल्सी वगैरह देखने के लिए जो है वो टेलीस्कोप को ही प्रेफर करते हैं। तो ये टेलीस्कोप के बारे में था कि टेलीस्कोप किस तरह से काम करती है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और उसमें कन्वेक्शन किस तरह से काम करती है।